चैनल। अभी जो नए 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 व्यूअर्स नए फ्रेंड्स मुझे देखते हैं तो उनके लिए मैं फिर से अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाऊं। तो मैं हूँ रीना शाह और मैं पुणे में रहती हूँ और मेरी एक ही बेटी है जिसका नाम है अद्वितीया और हम मैं यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड और बेटी के साथ रहती हूँ और हम कोलकाता से बिलोंग करते हैं। हम बंगाली हैं और हम पुणे में सेटल है और ये हमारा खुद का अपना घर है। जब मिष्टू बहुत ज़्यादा छोटी थी तब टाइम निकाल के किसी किसी के ब्लॉग्स वीडियोस देखती थी, तो ज़्यादा नहीं एक दो जन के वीडियोस देखती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हम जो होम मेकर है अपने घर को सजाते हैं, घर को घर के लिए अपने घर वालों के लिए खाना बनाते हैं, तो वो सब हम थोड़ा थोड़ा शूट करके अपने फ्रेंड्स के साथ यूट्यूब के ज़रिए अपने चैनल के ज़रिए शेयर कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता था, मतलब क्योंकि यूट्यूब में एक चैनल क्रिएट करके एक चैनल को चलाना, वीडियोस बनाना, एडिट करना, वीडियो को पब्लिश करना आसान बात नहीं है। मेरा भी मन था लेकिन मिष्टू छोटी थी उसके बाद तो फिर कुछ ना कुछ कारण से मैं कर नहीं पाई। बट 2020 कोरोना टाइम के बाद जब लॉकडाउन हो गया, उसके बाद जब लॉकडाउन चला गया तब मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं अभी यूट्यूब में अपना एक चैनल बनाऊंगी और मैं जो करती हूँ वो लोगों के साथ शेयर करूंगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगी। मुझे कुकिंग पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है। मिष्टू की मैं फ्रेंड भी हूँ, मम्मा भी हूँ, टीचर भी हूँ, सब कुछ हूँ। अनिरुद्ध हम दोनों को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं आफ्टर ऑफिस, उनका जितना भी टाइम होता है ये मिष्टू के लिए और मेरे लिए ही होता है। और मिष्टू को पढ़ाना, उसके साथ खेलना और यही जो है ये मेरा पूरा दुनिया है, ये घर और मेरी फैमिली ही मेरी दुनिया है। मतलब यही है मेरा लाइफ और जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, शेयर करती हूँ अपने इन वीडियोस के ज़रिए, अपने ब्लॉग्स के ज़रिए। पुणे में हम लास्ट 5.5 साल से हैं और मैं शादी के बाद भी पुणे आई थी, बट उसके बाद फिर मैं चली गई थी अनुरोध के साथ। बहुत सारी जगहों पे मैंने घूमा है, उसके बाद हम लास्ट 5.5 ईयर्स से पुणे में फिर से हैं, आए हैं और अभी उसके बाद ये हमारा खुद का घर है। हम यहाँ पे अभी तक के लिए सेटल हो गए हैं, फ्यूचर का नहीं पता। हम दोनों हमारे हस्बैंड वाइफ से भी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ कुकिंग करते हैं और सबसे मेन बात है सुबह सुबह जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिया है, और रोज़ हम वैसे ही चाय पीते हैं एक साथ बालकनी में बैठ के या तो सोफे पे बैठ के, क्योंकि तब मिष्टू सोती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो हम कुछ बात करना है, कुछ ऐसे ही हंसी मजाक है, तो उस टाइम पे हम एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं जो मॉर्निंग का टाइम है। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए मैं लाने वाली हूँ। और मिष्टू जो है वो अभी क्लास 2nd में थी, अभी 3rd में चली जाएगी कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट आउट होने के बाद। तो ऐसा ही है, ये छोटा सा फैमिली है मेरा और हमारे और भी घर वाले हैं जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहते हैं। जब मैं घर जाऊंगी सबके साथ आपका ज़रूर इंट्रोडक्शन कराऊंगी। तो मैंने अनिरुद्ध को बोला तो अनिरुद्ध स्टार्टिंग में यूट्यूब अनिरुद्ध भी उतना नहीं देखते थे क्योंकि उनका जो जॉब है उनको टाइम नहीं मिलता था और आफ्टर ऑफिस जितना उनका टाइम है वो हम लोगों के लिए रहता था। तो फिर बाद में अनिरुद्ध ने भी देखा, सोचा, समझा, उनको भी लगा कि हाँ यूट्यूब पे अगर मैं कुछ खोल, क्योंकि उन्होंने मुझे अभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है अभी तक शादी के 11.5 साल तक। तो अनिरुद्ध ने भी अपना फुल सपोर्ट मुझे दिया और अनिरुद्ध के साथ साथ मुझे मिष्टू का भी फुल सपोर्ट मिला। और शुरुआत के वीडियोस जो है वो अनिरुद्ध ही एडिट करके देते थे मुझे और मैंने पूरा एडिटिंग अनिरुद्ध से सीखा है क्योंकि अनिरुद्ध भी यूज्ड टू नहीं थे ना वीडियो एडिट करके, वो भी सीखे यूट्यूब वीडियोज़ देख देख के और उन्होंने फिर मुझे भी सिखाया। तो शुरुआत के कुछ कुछ इनिशियल जो वीडियोस है वो अनिरुद्ध मेरे हस्बैंड एडिट करते थे और उनको सिर्फ मिष्टू देखती थी कभी आते जाते कि बाबा ये वीडियो एडिट कर रहे हैं। और मिष्टू का जो ये दिमाग है ये है कंप्यूटर, मतलब जो एक बार सेव हो गया वो सेव हो गया, तो वो बहुत जल्दी कोई भी चीज़ कैच कर लेती है, बहुत जल्दी कोई भी चीज़ सीख लेती है। फिर जब मैंने एडिटिंग सीखना स्टार्ट किया उसके बाद तो अनिरुद्ध ऑफिस चले जाते थे। मिष्टू मुझे बहुत कुछ सिखाई है और ये मैं ऑन कैमरा नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत सच्ची बात है, अनिरुद्ध ने तो मुझे सिखाया ही है जो बेसिक है, जो स्टार्टिंग है, बट बहुत कुछ ऐसा है एडिटिंग में जो मिष्टू ने आते जाते अपने पापा से सीख के मुझे सिखाया है और ये बिल्कुल सच बात है। तो वही जर्नी, उतना कोई भी चीज़ का जर्नी ईजी नहीं होता। तो मेरा अभी तक बहुत ही छोटा सा फैमिली है यूट्यूब का, तो जितना भी जो है जितने भी वीडियोज़ मैंने अभी तक डाले हैं तो उसके लिए क्रेडिट गोज टू अनिरुद्ध एंड मिष्टू। और वही है एडिटिंग अभी मैं खुद करती हूँ अपने वीडियोस के। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल
मेरे YouTube फैमिली को और थोड़ा और बड़ा कीजिए अपने एक सब्सक्रिप्शन से। आगे आगे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, मैं अच्छे अच्छे वीडियोस ब्लॉग्स बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। जो फैमिली है वो इस तरफ से मुझे सपोर्ट कर रहा है, और आप मुझे आपका सपोर्ट भी मेरे लिए ज़रूरी है, आपका सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसीलिए सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से। वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट किसी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।